मंच टीवी के सभी दर्शकों को विजय केसवानी का नमस्कार। दोस्तों, हमारा दूसरा नवरात्र जो है वो 30 सितंबर को होने जा रहा है और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी जो दुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप हैं उनकी पूजा की जाती है और हवन करवाया जाता है। किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से अगर आप घर में उस दिन हवन करवाते हैं, उनका जप करवाते हैं और उनके नाम का आप स्मरण करते रहते हैं या व्रत करते हैं तो इससे वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जो है उनको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वो पर्वतराज की पुत्री थीं और उन्हें महर्षि नारद ने ये कहा था कि अगर उन्हें महादेव पति के स्वरूप में चाहिए तो उन्हें बहुत जप तप करना पड़ेगा, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तब माँ ने अपने दाएं हाथ में माला ली और उनका जो बाएं हाथ है उसमें वो कमंडल लेकर बहुत ही कठिन जप तप करने के बाद, कई वर्षों तक व्रत करने के बाद उन्हें महादेव पति स्वरूप में प्राप्त हुए। इसीलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है क्योंकि महादेव को प्राप्त करने के लिए जो कठिन परिश्रम, जाप, तप किया, यहाँ तक कि जो ब्रह्मचर्य का पालन किया तथा व्रत किया, इसके वजह से ही उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम प्राप्त हुआ। ब्रह्मचारिणी दिव्य शक्तियाँ प्रदान करने वाली हैं, बहुत ही असीम शक्ति प्रदान करती हैं। जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में अच्छे संस्कार चाहिए, उनको अपने घरों में अच्छे रिलेशंस चाहिए, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी का हमेशा आह्वान करना चाहिए, उनका जप तप करना चाहिए, ब्राह्मणों से, पंडितों से पूजन और हवन अपने घर में, अपने निवास स्थान पर ज़रूर कराना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत कम हो जाती है तथा माँ की असीम कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है, अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है। तथा जब भी अगर आप हवन करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का तो वह शक्कर से अवश्य करें। शक्कर से करने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो शक्तियाँ चाहते हैं, जो जप तप करना चाहते हैं, उन्हें भी काफ़ी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस नवरात्र के दिन अगर आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहने या पीले रंग के कपड़े पहने तो अति उत्तम होता है। दोस्तों, नवरात्र में हम अलग अलग दिनों पर अलग अलग प्रकार के प्रयोग, यह नवरात्र क्यों मनाया जाता है और इससे आपके जीवन में और क्या बेहतरी हो सकती है, यह हम आपको बताते हैं। आप सभी का नवरात्र सुखमय हो, यही मंच टीवी और हमारी कामना है। नमस्कार।